नमस्कार दोस्तों मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के प्रोग्राम यूपीएससी केबीसी में यानी कौन बनेगा सिविल सर्वेंट तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का खेल देखते हैं क्या क्या है आज के क्वेश्चन और कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है अबाउट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सो क्वेश्चन नंबर वन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एनडीएमए स्टेटमेंट वन कहता है इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर स्टेटमेंट टू द प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द एनडीएमए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवेन अब इज आर करेक्ट ए वन ओनली बी टू ओनली सी बोथ वन एंड टू या फिर डी नीदर वन नॉट टू आपका समय शुरू होता है अब समय समाप्त चलते हैं दूसरे प्रश्न पर दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कॉन्कन इज अटर मैरिटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ कंट्रीज ऑप्शन है ए यूके बी थाईलैंड सी यूएसए या फिर डी फ्रांस आपका समय शुरू होता है अब समय समाप्त तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा विच अमंग सोमालिया बी इट वॉज अ रिएक्शन टू इनक्वालिटीज एंड इनजस्टिस इन ब्रिटिश कंट्रोल कीनिया सी प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिक्लाइनिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड अन पॉपुलर सोवियत पॉलिसीज इन ईस्ट जर्मनी या फिर डी इट वॉज अ जूलू रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड टैक्सेशन इन नेटल साउथ अफ्रीका आपका समय शुरू होता है अब समय समाप्त चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सूफिज्म Statement one: It gained prominence in tenth and eleventh centuries during the reign of Delhi Sultanate. Statement two: The Chisti silsila was founded by Shihabuddin in Baghdad and was established in India by Bahauddin Zakaria. Statement three: The Chistis accepted maintenance grants from the sultans and took an active part in politics. Which of the above statements are correct? Option A: One only. B: Two and three only. C: Three only. Yafir D. वन टू एंड थ्री आपका समय शुरू होता है अब समय समाप्त चलते हैं अगले प्रश्न पर पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंप्लीमेंटिंग दी यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ऑप्शन है ए मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। बी डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन अबाउट टू डी सी एफ डी आई विल ड्रास्टिकली इंक्रीज डी डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू पुअर विल बिकम वेरी इफेक्टिव आपका समय शुरू होता है अब समय समाप्त चलिए देखते हैं क्या है सोल्यूशन आई होप आप लोगों ने अपने सोल्यूशन हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बता दिए होंगे चलिए फटाफट से देखते हैं इन सभी के सोल्यूशन क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर वन जो हमारा था वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए से रिलेटेड था ठीक है एनडीएमए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर रहता है ये हम सभी को पता है अगर नहीं भी पता है तो आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे वो आपको देखना है तो देखिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है डिजास्टर क्या होता है डिजास्टर ऐसी घटना ऐसा आ, कुछ नेचुरल इंसिडेंट्स जो जो कि बहुत ज्यादा तादाद में जो है आ, मनुष्य जाति को या आ, किसी को भी जो है ये वो नुकसान पहुंचाए राइट तो नेशनल डिजास्टर जब हमने नेशनल वर्ड ऐड कर दिया तो ये पूरे कंट्री के लिए अप्लाई हो गया तो जब भी ऐसा कुछ आएगा तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो रहेगा ठीक है और दूसरा जो यहां पर सेंटेंस दिया है द प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ एनडीएमए तो देखो जब जैसे ही एनडीएमए की बात आती है ठीक है तो ऑब्वियस सी बात है कि पहली चीज तो ये कि प्रेसिडेंट को अगर हम एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बनाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होगा राइट क्योंकि प्रेसिडेंट जस्ट हमारे लिए नॉमिनल हेड होते हैं हमारे देश के उनके पास एक्चुअल पावर्स नहीं होती और एक्चुअल पावर हमारे देश में किसके पास होती है वो होती है प्रधानमंत्री के हाथ में तो ये जो वर्ड है प्रेसिडेंट यहाँ अगर प्राइम मिनिस्टर दिया होता तो वो सही होता और जब आपने पीएम को पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत के अंदर जब आपने आ, जो इनके फंक्शंस होते हैं वो चीजें जब आपने पढ़ी होंगी या रिवाइज की होंगी तो आपको पता होगा कि यहाँ पर प्रेसिडेंट होगा एनडीएमए का एक्स ऑफिशियर चेयरमैन इसलिए दूसरा स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है बट पहला स्टेटमेंट एबसल्यूटली सही है तो हमारा आंसर होगा ए ठीक है चलिए देखते हैं सॉल्यूशन सॉल्यूशन भी यही कह रहा है स्टेटमेंट इज इज करेक्ट अनकरेक्ट और यहाँ पर आपको एनडीएमए का बता दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था एनडीएमए को की गाइडलाइंस फ्रेम करने के लिए ठीक है और अबाउट एनडीएमए इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑब्जेक्टिव होता है टू कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स टू नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स ठीक है और ये फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर विद प्राइम मिनिस्टर दी एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ओके चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर दूसरा क्वेश्चन है कोंकन की बात की गई है कि कोंकन जो बायोलेट्रल मेरी टाइम एक्सरसाइज है वो किसके बीच में है आंख बंद करके आपको फैक्चुअल क्वेश्चन लगाना है यूके है इसका आंसर अगर थोड़ा भी आप न्यूज वगैरह के कॉन्टेक्ट में होंगे करेंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा ठीक है चलिए सॉल्यूशन देखते हैं सॉल्यूशन भी यही कह रहा है कि ये इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन यानी यूके के बीच की कहानी है कोंकण ठीक है तो इसको ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था जो कि बम्बाठा रिबेलियन से था अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है विच अमंग्स द फॉलोइंग इज दी बेस्ट डिस्क्रिप्शन तो ये भी हो सकता है कि यहां पर जो आपको सेंटेंसेस दिए हैं बम्बाठा रिबेलियन पर ही आपको दो सेंटेंस दे दे ठीक है लेकिन आपको यहां पर दो सही में से दो करेक्ट आंसर में से या मे बी आप कह सकते हो तीन करेक्ट आंसर में से कोई एक को चूज करना है यू हैव टू चूज जस्ट वन ठीक है और वो वन जो है वो ऐसा होना चाहिए जो अपने आप में बेस्ट डेफिनेटिव हो उस पर्टिकुलर वर्ड का तो यहां अगर आप देखोगे खैर तो बाकी चीजें तो उतनी नहीं है लेकिन हाँ जो तुम्हारा स्टेटमेंट डी है जूलू रिवॉल्ट से रिलेटेड बंबाठा रिबेलियन जो है वो जूलू रिवॉल्ट से रिलेटेड था ब्रिटिश रूल के साथ इनका हुआ था और क्यों हुआ था तो मुद्दा था टैक्सेशन का इन दी नेटल साउथ अफ्रीका में जो है ये घटित हुई थी कहानी ठीक है तो इसका आंसर होगा ये अगर नहीं पता है तो गैस जरूर किए होंगे आप लोग आई होप एंड मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों में से किसके किसके गैसेज इस क्वेश्चन के सही हुए हैं ठीक है सॉल्यूशन देख लेते हैं सॉल्यूशन बता रहा है कि जो जूलू रिबेलियन है ये अगेंस्ट ब्रिटिश कंट्रोल था साउथ अफ्रीका में जो कि जब ये थे और उसको बम्बाठा रिबेलियन कहा जाता था जो ये इंसरेक्शन था ये जब हुआ था तो ये जूलू लैंड में हुआ था जिसे अब क्वाजूलू नेटल के नाम से जाना जाता है ठीक है और इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सूफिज्म से रिलेटेड है सूफिज्म की जब हम बात करते हैं तो सूफिज्म का बात करते से हमारे दिमाग में एक चीज आती है वो है मिडिवल इंडिया राइट भक्ति मूवमेंट राइट हिंदी में कहें तो मध्यकालीन भारत ओके okay? तो ये वाला टाइम पीरियड आता है और जैसे ये टाइम पीरियड आएगा तो हमें समझ आ जाता है कि एंड सेंचुरी इज दी करेक्ट टाइम पीरियड और यहां तो दिल्ली सल्तनत भी आपको हिंट किया हुआ है तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा एप्सोल्यूटली सही है दूसरा स्टेटमेंट जो है वो कहता है चिस्टी सिलसिला के बारे में बात करता है कि शिहाबुद्दीन ने इसको बगदाद में फॉर्म किया था देखिए चिष्टी सिलसिला को याद रखने के लिए बस ये ध्यान रखिए कि जो जिन्होंने इसको फॉलो फॉर्म किया था उनके नाम के अंत में चिस्टी आता है और आप उसको उसके हिसाब से जो आपको याद बहुत फेमस पर्सनालिटी है मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको सो so दैट आप थोड़ा सा जब तक हम थ, तीसरा स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं आप कोशिश करिए उसको याद करने की इससे पहले हम सॉल्यूशन पे जाएं अगर आपने अगर हमें नहीं बताया तो फटाफट से जरा उनका नाम मुझे बता दीजिए ठीक है जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारा चिस्टीज के बारे में उसमें बताया गया कि चिस्टीज जो हैं वो मेंटेनेंस ग्रांट्स एक्सेप्ट करते थे सुल्तान से और एक्टिव पॉलिटिक्स का पार्ट भी थे जी नहीं ये एब्सोल्यूटली अपोजिट और गलत स्टेटमेंट है इनफैक्ट चिस्टीज जो हैं वो खुद को पॉलिटिक्स से बहुत दूर रखना चाहते थे ठीक है इसलिए इस केस में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन होगा ए वन ओनली एंड आई होप आप लोगों ने अभी तक मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा कि सेकंड वाले स्टेटमेंट में मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था फाउंडेड एक्चुअली चिस्टी सिलसिला राइट चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं तो देखिए पहली चीज तो मेनी नेटिव इंडियंस जो है उन्होंने यौगिक पोस्टर म्यूजिक डांस ये सारी चीजें अब्जोर्व की थी अंडर सूफिज्म इन इंडिया राइट और अगर आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी तो उसमें तो बहुत ही अच्छे से समझाया भी हुआ है कि सूफिज्म का क्या मतलब है कैसे है ओके okay? दूसरी चीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत बिल्कुल करेक्ट है ये टेंथ और इलेवेंथ सेंचुरी वाला टाइम पीरियड अब यहां पर देखिए चिस्टी सिलसिला को किसने फाउंड किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन उद्दीन चिस्टी जी ने ठीक है जिन्हें हम गरीब नवाज के नाम से भी जानते थे और बहुत सारे सॉन्ग्स वगैरह में भी इनका नाम आता है राइट और इसलिए जो है मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों ने ये आंसर मुझे बताया होगा अगर नहीं जिसे पता है तो आप प्लीज यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए ठीक है और ये कब फॉर्म हुआ था ये 1192 में फॉर्म हुआ था इसलिए स्टेटमेंट टू जो है वो गलत है तीसरा जो है ये मैंने आपको बताई दिया कि चिस्टीज जो है वो अवॉइड करते थे एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहते थे और कंपनी ऑफ किंग्स और नोबल से भी दूर रहते थे वो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है ठीक है तो इसका आंसर था ए दैट इज वन ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीआई से रिलेटेड है राइट right? देखिए यूपीआई से रिलेटेड जो ये यह यहाँ पर दिए हुए इसमें सबसे करेक्ट स्टेटमेंट ए वाला है क्योंकि यूपीआई के लिए आपको अगर यूपीआई से पेमेंट करनी है तो आप सभी को पता होगा आज की डेट में हर कोई गूगल पे यूज करता है यूपीआई आईडी होती है और उस यूपीआई आईडी के थ्रू आप डायरेक्ट अकाउंट से पेमेंट कर सकते हो आपको किसी भी पर्टिकुलर वॉलेट की जरूरत नहीं है। जैसे पेटीएम का वॉलेट होता है तो उसकी जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट के थ्रू ठीक है और ये स्टेटमेंट दूसरा जो है कि भाई टोटली रिप्लेस कर देगा डिजिटल करेंसी फिजिकल करेंसी को इसकी कोई संभावना अभी तो फिलहाल नहीं दिख रही इसलिए हम इसको गलत मानेंगे एफ डी इनफ्लो का भी कोई लेना देना नहीं है यूपीआई से और दूसरी चीज डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ सब्सिडीज का भी कोई लेना देना नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास बचा करेक्ट सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ ए और यही हमारा करेक्ट आंसर ठीक है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यूपीआई के बारे में बताया गया है ठीक है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा और मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं वही चीज़ उससे ही रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर दी भी हुई है है ठीक तो ये थे आज के uh, क्वेश्चन uh, कॉमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा और कैसी चल रही है आपकी तैयारी भी ठीक है तो चलिए uh, कल फिर मिलेंगे इसी समय पर तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत थैंक यू सो so मच सब्सक्राइब टू अर यूट्यूब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द एंड मिस ट्यूबर अपडेट फ्रॉम सिविल स्टेड